सब्सक्राइब कीजिए SDST चैनल को, बेल आइकॉन दबाकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखिए सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांटेक्ट या फ़ोन नंबर्स, मतलब कांटेक्ट, आपके इमेजेस, पिक्चर आप किस तरह से सेफ्टी में रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको प्रॉब्लम ये आती है कि हमेशा से हम सब के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि कहीं भी हमारा मोबाइल गुम हो गया, मतलब पानी में गिरकर डैमेज होकर डेड हो गया, मतलब कहीं भी खो गया, मतलब कुछ भी मोबाइल के साथ हादसा होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्टैक्ट, जो मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, फ़ोन नंबर्स होते हैं, वो घूम जाते हैं। मतलब फ़ोन नंबर कहाँ से ले, किस तरह से बैकअप ले, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कॉन्टैक्ट होते हैं, तो उस कॉन्टैक्ट को हम किस तरह से सेफ्टी में रख सकते हैं। आप अपने मोबाइल भी चेंज करें, मतलब दूसरा मोबाइल ले रहे हैं तो भी कहीं पर भी जाकर आपका कॉन्टैक्ट रिकवरी कर सकते हैं। तो आपके इम्पोर्टेंट फाइल वगैरह, पिक्चर वगैरह, मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह सभी के सभी, मतलब किस तरह से आप कॉन्टैक्ट पिक्चर अपने सिक्योरिटी में रख सकते हैं ताकि आप कभी भी बैकअप उसका ले सकें। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। पूरा लास्ट तक ये वीडियो देखिए, अगर आप कहीं भी बीच में इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही वीडियो, लेटेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम अपने गूगल ड्राइव में जाते हैं। गूगल ड्राइव आपके हर एक मोबाइल में तो गूगल ड्राइव होता ही है। गूगल ड्राइव मतलब ये मतलब एक 2012 में ही ये लॉन्च हो गया था, मतलब काफ़ी लोग इसका यूज करते हैं, मतलब कई लोग यूज नहीं करते इसको, किस तरह यूज करते हैं किसी को पता नहीं होता। तो आज हम वही बताने वाले हैं किस तरह इसको यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल ड्राइव में जाते हैं। गूगल ड्राइव में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक दो फ़ोटो अपलोड की हुई है। तो आप यहाँ पर जो मेरे लेफ़्ट साइड में जो तीन मार्क दिख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं ये मेरे इस जीमेल आईडी से ओपन है। तो आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखिए अपग्रेड स्टोरेज बोल के दिख रहा है 15 GB का। आप 15 GB का डाटा इसमें शो करके रख सकते हैं। आप कहीं पर भी जाइए, कहाँ भी जाइए, जो ईमेल आईडी आपकी है वो ईमेल आईडी डालकर, जो भी आपके पिक्चर है, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसमें रख कर मतलब कहीं पर भी बैकअप ले सकते हैं। तो यही एक स्टोरेज है, मतलब फ्यूचर में इसका अभी और भी यूज कर सकते हैं, मतलब 1 TB 2 TB भी यूज कर सकते हैं इसमें आप यूज करने के लिए। वो मतलब आपको उसका पैसा देना होगा, कुछ डॉलर पे मतलब पे करने होंगे, तभी इसको ज़्यादा MB जो है, GB जो है आपको मिलेगी। तो हम फ्री के बारे में बात करेंगे आज। 15 GB तक तो फ्री दे रहे हैं, तो उसको किस तरह यूज करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मेरे राइट साइड में जो नीचे की तरफ प्लस का निशान आ रहा है, तो उस निशान पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फोल्डर बनाकर भी रख सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करने के साथ ही मतलब यहाँ पर गैलरी हो गई। गैलरी पर ओपन करता हूँ, मतलब कौन सी भी एक पिक्चर ले लेता हूँ मैं। तो ये मतलब एक पिक्चर आपको दिखा देता हूँ मैं इधर, तो एक मिनट, मतलब ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ। तो किस तरह का इसको ओके किया, ओके करने के बाद मतलब आप पूरे भी रख सकते हैं, पूरे भी सेलेक्ट करके पूरे भी अपने गूगल ड्राइव में रख सकते हैं। तो इसे मैं आपको फिर सिर्फ एग्जांपल के लिए एक ही करके बता देता हूँ। ओके किया, ओके करने के बाद देखिए मतलब यहाँ पर ही अपलोड कर लेता हूँ। ये आपकी पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से, मतलब आपका जो नेटवर्क है वो कितना स्पीड है उसके हिसाब से लोड होगा। तो देखिए लोड हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। तो देखिए ये पिक्चर मेरी यहाँ पर आ गई। मतलब इस तरह से आप कहीं पिक्चर, मतलब पूरे, मतलब डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टैक्ट्स आप किस तरह इसमें रख सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट रखने के लिए क्या करना होगा, पहले अपने सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास, एक मिनट में बता देता हूँ, यहाँ पर ऐप स्टोरेज कहाँ है देख लेते हैं हम, एक मिनट, यहाँ जी यहाँ देखिए ऐप स्टोरेज है। ऐप स्टोरेज में देख सकते हैं आप
ऐप स्टोरेज में, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट बोल के है, तो रिकवरी कॉन्टैक्ट बोल के है, तो आप हमें एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट स्टोरेज बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट स्टोरेज के बोल के ये फाइल क्या होगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी, इसे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ओके करने के बाद स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद अपने फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर बना होगा, देखिए ये बना है, कॉन्टैक्ट का एक आइकन भी आ रहा है, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड का ऑप्शंस आ गया। सेंड का ऑप्शंस आने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप, ईमेल, जीमेल, ब्लूटूथ, जिस तरह चाहें आप इसे शेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ गूगल ड्राइव का बता रहा हूँ। तो गूगल ड्राइव ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ शो किया तो अपने आप मेरे कॉन्टैक्ट जो है गूगल ड्राइव में जाएंगे। मैं नहीं करना चाहता, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो मैं इसको यही छोड़ कर कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं दोस्तों। मतलब आपको कॉन्टैक्ट मतलब सेटिंग में एक एक मोबाइल में, कहीं कहीं मोबाइल में ऐसा होता है कॉन्टैक्ट होने के बाद यहाँ पर सेटिंग आती है एक्सपोर्ट बोल के, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में ही एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट बोल के ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें नहीं है मेरे मोबाइल में एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का, सेटिंग में जाके करना पड़ा तो सेटिंग में दिखाया। आप यहाँ भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर एक एक मोबाइल में यहाँ भी आ सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम इतनी मेहनत करके, इतनी एडिटिंग करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।